Hello friends, how are you? In our last class, we started the topic isotopes. Okay, we started the topic isotope and we discussed its definition. And the definition was the atom of an element, the atoms of an element having same atomic number, having same atomic number, but different mass numbers, or we can say that, but different atomic masses are called isotopes. That means atoms having same atomic number, but different atomic mass, or we can say that different mass numbers, are called isotope of that element. उन्हें क्या कहा जाता है? Isotopes बोलते हैं. फिर अपन ने कुछ examples consider किए थे, जिसमें अपन ने particularly hydrogen के examples consider किए थे, जिसमें protium H, ड्यूटेरियम डी और टाइट्रियम टी, ये तीन आइसोटॉप्स थे जिसको अगर अपन नॉर्मली लिखना चाहे तो दैट इज 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, टाइट्रियम 1H3. गॉट इट? उसके बाद अपन ने बात की थी, कुछ और एग्जांपल कंसीडर किए थे और उसके बाद अपन ने बात की थी आइसोटॉप्स जो हैं उनमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती. Got it? Clear? यहां तक कि अपन ने उसकी डिस्कशन किया था. आज अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. आइसोटॉप से रिलेटेड टॉपिक है ये, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट having isotopes, having isotopes. Line थोड़ा टेढ़ा गया है क्या? चलेगा? चलो. The mass of an atom, कोई भी जो atom होता है, उसका जो mass होता है, of any natural element is taken as the average mass of all the naturally occurring atoms. किसी भी एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास, उसके सभी नेचुरल ऑक्यूरिंग, मतलब नेचर में जो मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, उन सभी के एवरेज मासेस से लिया जाता है. इफ एलिमेंट डू नॉट हैव आइसोटॉप्स, अगर किसी भी एलिमेंट के कोई आइसोटॉप्स नहीं है तो उस कंडीशन में उसका जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो सीधा सीधा ले लिया जाता है उसके मास नंबर से. इसे ले लेते हैं अपन उसके मास नंबर, दैट मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास पर्टिकुलरली किसके कारण से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उसका सीधा यहां पर यूज किया जाता है. बट इफ एलिमेंट हैव आइसोटॉप्स, लेकिन अगर एलिमेंट के आइसोटॉप्स है नेचर में, तो उस कंडीशन में एवरेज मास का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. इसका यूज करेंगे अपन, एवरेज एटॉमिक मास का यूज यहां पर किया जाएगा. गॉट इट? अब इसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो अपने को ध्यान रखना है. एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो पर्टिकुलरली जो उसके आइसोटॉप्स हैं, उन आइसोटॉप्स के जो परसेंटेज मास रेशियो है उससे इसको कैलकुलेट किया जाता है. ओके? और उसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है,
एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इक्वल्स टू, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है वो इक्वल्स टू लिया जाता है मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, मास नंबर मल्टीप्लाइड, पूरा लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ परसेंटेज इन नेचर, परसेंटेज इन नेचर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप, आइसो समझाओगे ना आगे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अब जो सेकंड जो अपने को दिया गया है इसी तरह से जो बाकी जो बचे हुए हैं, जैसे मान लीजिए सेकंड हो तो उसके लिए क्या जाएगा, मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इन नेचर ऑफ सेकंड आइसोटॉप डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर थर्ड हो तो थर्ड जुड़ जाएगा, फोर्थ हो तो फिर फोर्थ यहां पर जुड़ता जाता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? आई एम अगेन रिपीटिंग द फॉर्मूला। उनके जो मास का जो परसेंट जो रेशियो है उसका यूज यहां पर किया जाता है, मतलब नेचर में या एक सैंपल के अंदर उसका मास रेशियो क्या होगा, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, मास नंबर जो भी आइसोटॉप हो उसका मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इन नेचर या सैंपल, जो परसेंटेज है नेचर उसके सैंपल या नेचर के अंदर वो डिवाइडेड बाय 100। गॉट इट? ताकि परसेंटेज को अपन कन्वर्ट करके जो नॉर्मल रेशियो है उसमें अपन ला सके। इसी तरह से सेकंड के लिए मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इन नेचर ऑफ सेकंड आइसोटॉप डिवाइडेड बाय 100। फिर इनको सम कर देते हैं, अगर टू हो तो टू और अगर थ्री हो तो फिर इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? क्लियर? नाउ लेट वी कैलकुलेट द परसेंटेज बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल, लेट वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास अपन किसी एक का कैलकुलेट करते हैं ताकि अपन इस चीज को और ज्यादा अच्छी तरह से अपन समझ सके। ओके? तो फॉर एग्जाम्पल अपन क्लोरीन के लिए लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के लिए अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इट? नेचर में अपन क्लोरीन के आइसोटॉप्स की बात करें तो देयर आर टू आइसोटॉप्स, क्लोरीन के नेचर में टू आइसोटॉप्स मिलते हैं, एक तो है क्लोरीन 35 17 35 और एक होता है क्लोरीन 17 37। देर आर टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, देर आर टू आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, वन इज क्लोरीन 17 35, सेकेंड इज क्लोरीन 17 37। अगर इनके परसेंटेज की अपन बात करें तो दैट इज 75% एंड दैट इज 25%। गॉट इट? अंडरस्टैंड? कई बार इसको थोड़ा सा बदल दिया जाता है, अपने को परसेंटेज की बजाय दे देते हैं 3:1। कितना दे दिया? 3:1। अगर ये 3:1 दिया हुआ है तो आप आराम से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। भी टोटल कितना हो गया? 4। तो इसका कितना हो गया, अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज ऐसे कैलकुलेट करूं तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 इसका परसेंटेज आ गया,
इसका कितना हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ये तो अपने को रेशियो है, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, तो इसका कितना हो जाएगा 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 75। ओके, तो दोनों में से किसी भी तरीके से ये दिया जा सकता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। क्लियर, अंडरस्टैंड? तो अपने को इनको यहां पर यूज करना होता है, इससे अपन क्या निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, ये रहा हमारा फॉर्मूला। गॉट इट? तो सीधा सीधा अपन वैल्यू पुट करें, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन ही अपने को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट तो किसका निकलेगा, जो फर्स्ट वाला है दैट इज, किसी को भी आप फर्स्ट ले सकते हो, कोई मैटर नहीं है। तो मास नंबर ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का मास नंबर कितना हो गया, दैट इज 35, सो दैट इज 35, गॉट इट, मल्टीप्लाइड परसेंटेज इन नेचर, कितना परसेंट है नेचर में, दैट इज 35 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितना दिया हुआ है 75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस। अब सेकंड वाले पे आओ, मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटॉप, सेकंड का कितना है 37 मल्टीप्लाइड परसेंटेज कितना दिया हुआ उसका, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 1000, सॉरी 100 नॉट 1000। क्लियर, कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 3 दैट इज 4 दैट इज 1 दैट इज 4। गॉट इट? सॉल्व कीजिए, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5, 3 5 जा 15, 5 1, 3 9 जा 9, 9 प्लस 1 10, 104 105 अपॉन 4 प्लस 1 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 37 अपॉन 4। गॉट इट? एलसीएम ले लो, दोनों का कितना आ गया 4, ऊपर कितना हो गया 105 प्लस 37 कितना हो गया 142 अपॉन 4, 2 से कट कर दीजिए कितना आ गया 71 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 35.5 U। व्हाट इट? तो ये होता है मास, एटॉमिक मास किसका, क्लोरीन का। अपन न्यूमेरिकल्स में क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लिखते हैं 35.5, और मैंने कल भी बोला था कईयों का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल आता है, मास नंबर तो देखो पूरे डिजिट्स है लेकिन एटॉमिक मास क्या आया है फ्रैक्शनल, और कल बात हुई थी ना क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द आइसोटॉप्स। अगर आइसोटॉप्स हैं तो उस कंडीशन में हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना होता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब इसके बाद टॉपिक आता है, आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डू, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं ना आप, काफी इजी क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ सिमिलर क्वेश्चन एक अपने को चैप्टर के लास्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें अपने को दिया हुआ है, गॉट इट? सॉरी, टू क्वेश्चंस हैं जो इससे यहां पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे अपने जुड़े हुए हैं। तो अपन एक काम करते हैं, पहले अपन ये चैप्टर फिनिश करते हैं क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट का बचा है, तो फिर बाद में अपन उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स की अपन बात करें तो इसके पर्टिकुलरली अपने को 3 यूजेस को कंसिडर करना है। फर्स्ट जो इसका यूज है दैट इज रिलेटेड विद द यूरेनियम। यूरेनियम जो इस यूरेनियम का जो आइसोटॉप है, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, नॉर्मली उसे बोला जाता है यूरेनियम 235, इज यूज इन एज फ्यूल, इट इज ए फ्यूल
फ्यूल विच इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में पावर सोर्स के तौर पर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन चलती है जिनसे एनर्जी क्रिएट होती है, तो वहां पर यूरेनियम-235 या अपन सिंपल ध्यान रखना आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम, इसका यूज यहां पर किया जाता है। वॉट इट अंडरस्टैंड। सेकेंड है आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट, आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट दैट इज CO60। ये जो 235-60 है ये इनके मासेस ना मास नंबर है। वॉट इट, क्योंकि मास नंबर अलग अलग होने से तो आइसोटॉप्स बने। तो दैट इज कोबाल्ट 60 इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। किसका यूज, किसमें यूज किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का। वॉट इट। थर्ड इज आइसोटॉप ऑफ आयोडीन, इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर डिजीज। गॉइटर डिजीज जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर आइसोटॉप, जो आयोडीन का जो आइसोटॉप है, आयोडीन का जो आइसोटॉप है दैट इज आयोडीन-121, इसका यूज यहां पर किया जाता है। वॉट इट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोबार, आइसोबार्स। वॉट इट, लेट मी कंसिडर सम एग्जाम्पल सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल कैल्शियम एंड आर्गन, आर्गन एंड कैल्शियम। एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18 एंड द कैल्शियम इज 20 एंड द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40 एंड कैल्शियम इज ऑल्सो 40। वन मोर एग्जाम्पल सो यू कैन योर सेल्फ कैन डिफाइन इट। नाइट्रोजन, सॉरी हाँ नाइट्रोजन ले लेते हैं। नाइट्रोजन 714 एंड वन ऑफ द आइसोटॉप ऑफ कार्बन दैट इज 614, दैट इज आइसोटॉप ऑफ कार्बन। नाउ बाय टेकिंग दीज एग्जाम्पल और दीज एग्जाम्पल यू कैन डिफाइन वट इज द सिमिलरिटी, वट इज 40-40 वाट दैट आर मास नंबर। हियर 14-14 दीज आर ऑल्सो मास नंबर एंड वट आर द डिफरेंट, वट इज द डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर्स। वट इट, so we can say that atoms of different elements, atoms of different elements having different atomic numbers but have सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। वॉट इट, अब अपने को डेफिनेशन में चाहे तो इसको पहले लिख सकते हो और इसको बाद में लिख दो, तो बोल सकते हैं अपन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स, या जैसे लिखा है वैसे बोल सकते हो आप एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड, these are called isobars. got it understand, ये exam में पूछा जाता है isotopes, एक तो ध्यान रखना isotopes का ये use,
नॉर्मल क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स में, और एक आइसोबार्स के बारे में. ओके, नाउ आवर चैप्टर फिनिश्ड. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द, सो प्लीज इन द नेक्स्ट क्लास बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज कलेक्ट द बुक, put in front of the you and read the questions, so you can much better understand the numericals of this chapter. Okay, thank you.